नमस्कार फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था, जिससे आप सभी लोग वाकिफ हैं, दोषियों को फांसी देने वाले पवन जल्लाद ने अंतिम क्षणों के बारे में जो जानकारी दी, शायद उससे काफ़ी कम लोग ही वाकिफ होंगे। उस रात क्या हुआ, इस बारे में एक खास पेशकश। निर्भया मामले के चारों दोषियों को 21 मार्च 2020 शुक्रवार की सुबह 5:30 पर फांसी दी गई। इस दौरान फांसी देने वाले पवन जल्लाद के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ चार लोगों को फांसी दी जा रही थी। पवन जल्लाद ने अंतिम क्षणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उसे इस बात की कतई घबराहट नहीं थी कि वह चार लोगों को एक साथ फांसी दे रहा है, बल्कि वह उन लोगों को जो उसका मजाक उड़ा रहे थे उन्हें यह बताना चाहता था कि दोषियों को उनके अंजाम तक वह पहुंचा कर रहेगा। पवन जल्लाद ने उस रात के बारे में जानकारी देते हुए बताया, फंदे के लिए उपयोग किए जाने वाले रस्सी की कई बार जांच की जा चुकी थी और उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि रस्सी बिल्कुल सही है। वह रात में कुछ देर तक टीवी देखा और बाद में जेल के एक कमरे में सोने के लिए चला गया। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, तड़के 3 बजे वह उठा और फांसी की कोठी में गया और फिर एक बार फंदा जो पहले ही बना लिया था की जांच कर रहा था। इस दौरान एक महिला मजिस्ट्रेट, 2 डॉक्टर, जेलर के अलावा कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। हालांकि फांसी की कोठी में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। फांसी घर में किसी को बोलने की अनुमति नहीं होती, इसीलिए केवल इशारों से काम होता रहा। तड़के ठीक 5 बजे चारों आरोपियों को फांसी के घर लाया गया। उन चारों के चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे और पुलिस कर्मी उन चारों को पकड़ कर ला रहे थे। हर गुनहगार के साथ 5 बंदी रक्षक थे, जिन्होंने इन्हें तख्ते पर खड़ा किया। चारों बुरी तरह कांप रहे थे। पहले अक्षय और मुकेश को, फिर पवन और विनय को तख्ते पर ले जाया गया। बाद में पुलिस वालों ने चारों के हाथ पांव बांध दिए। चारों के फंदे 2 लीवर से जोड़े गए थे। फंदों को गलों में टाइट करके संतुष्टि की गई। उसने कहा कि जेलर के हाथ में लाल रुमाल था और वहां हाथ उठाकर कलाई घड़ी की ओर देख रहा था। घड़ी का कांटा जैसे ही निर्धारित समय पर पहुंचा, उसने अपने हाथ मौजूद रुमाल को हिलाकर नीचे गिरा दिया। पवन जल्लाद ने कहा कि रुमाल हिलाने के तुरंत बाद उसने पहला लीवर खींचा और उसके चंद सेकंड बाद दूसरा लीवर खींच दिया। इससे तख्ता खिसक गया और चारों नीचे लटक गए। उसने बताया कि कुछ समय तक चारों फंदे पर फड़फड़ाते रहे, बाद में शांत हो गए। लगभग 30 मिनट बाद वह उनके पास गया और उनकी जांच की। बाद में चिकित्सक चारों की जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस कर्मी काफी सावधानी से चारों की लाश को फंदे से उतारा और वहां मौजूद स्ट्रेचर पर सुलाकर जेल के बाहर मौजूद एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। पवन जल्लाद ने बताया कि काम समाप्त होने के बाद वह नहा धोकर सोने चला गया। दोषियों को फांसी देने वाले पवन जल्लाद ने कहा है कि मैंने अपना धर्म निभाया है, यह हमारा पुश्तैनी काम है। मरने से पहले उन दरिंदों को पश्चाताप होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स।